नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही गार्डनिंग चैनल माई गार्डन व्यू पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कैसे करेला लगाया जाता है इसकी पूरी अपडेट बताऊंगा, यानी कैसे बीज को आप जर्मिनेट करें, कैसे उसकी बेल को लगाएं, ये सारी बातें आपको मैं आप शेयर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि हम बीज को जर्मिनेट कर लें, बीज को आप डायरेक्ट मिट्टी में न लगाएं, क्योंकि बरसात का समय है और बीज के सड़ने का पूरा चांसेस रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि बीज को किसी पॉट में भिगो करके रख दें 24 आवर, और जब 24 घंटे बीत जाएं तो उसको निकाल करके किसी ऐसे पॉलीथीन में रख दें जो पूरी तरह से एयर टाइट हो। उसमें एयर नहीं रहनी चाहिए, वरना उसमें फंगस लगने का डर रहेगा। आप एयर टाइट पॉलीथीन लें और उसको लगभग 2 दिन तक उसमें पैक करके रखें, और इस तरह का कप प्लास्टिक का आप ले लें, जितने भी बीज आपको लगाना हो उसमें नीचे एक होल कर दें, थोड़ा बालू मिला लें। और दोस्तों, 2 दिन के बाद इसको देखिए निकाल लीजिए, बीज आपके सारे के सारे जर्मिनेट थे, अच्छी तरह से उनमें अंकुरण आ गया है। और अब ये जो कप्स आप देख रहे हैं, इसमें रेतीली मिट्टी है, यानी 50% रेत है, नीचे होल है। तो ये आप सामने देख रहे हैं कि करेले के जो बीज हैं, ये हाइब्रिड बीज हैं, इसको मार्केट से ख़रीदा गया है। तो हाइब्रिड बीज से ये फ़ायदा होता है कि जो फल लगते हैं वो ढेर सारे लगते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं, और डायरेक्ट अगर मिट्टी में लगाएंगे तो सड़ जाने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए पहले इसको छोटे कप में हम लगाएंगे और बहुत ज़्यादा वाटर से बचाएंगे इसको, यानी बरसात के पानी से भी इसको बचाएंगे, क्योंकि पानी तेज़ बरसता है तो पौधे टूटने का डर रहता है। तो दोस्तों, सभी बीजों को एक एक कप में रख करके और ऊपर से थोड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये सब कप्स हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के, नीचे होल जरूर आप रख छोड़ें, क्योंकि जब भी कभी क्या होता है कि कभी ज़्यादा पानी भी पड़ जाता है तो वो पानी ड्रेन आउट होकर के निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो बीज सड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इन कप्स में मैंने बीज को लगा दिया है, और जो बाकी बीज बचे हुए हैं उनको दूसरे पॉट में मैं लगा दूंगा। होता ये है कि बीज ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट कर लें, क्योंकि बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बीज खराब हो जाएं कुछ अननोन कारणों से। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये थोड़ी सी मिट्टी जो है मैंने उसके ऊपर चढ़ा दी है सभी कप्स में, और इसके बाद अच्छे से वाटरिंग कर दूंगा। और आजकल पानी बरस रहा है, मॉइस्चर भी खूब है, मॉइस्चर पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये देखिए, ये 3-4 दिन बीते हैं और ये छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, और 2 और कप्स हैं उनको मैंने दूसरी जगह करके रखा हुआ है। ये 3 कप्स में आप देखिए, 5 कप्स में मैंने बीज जर्मिनेट किया लगाया था, और ये 3 आपके सामने है, ये डेमोंस्ट्रेशन के लिए 3 मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों, इस तरह से बड़े आराम से सक्सेसफुली बीज लग जाते हैं अगर आप इस तरह से लगाते हैं। ध्यान रहे कि डायरेक्ट न लगाएं। और दोस्तों, एक पौधा ये देखिए, अब लगभग ये 5-6 दिन के बाद का रिजल्ट है, ये पौधा इतना बड़ा सा हो गया है। अब ये इस कंडीशन में हो गया है कि इसको मिट्टी में हम लगा दें। तो दोस्तों, मिट्टी ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, और ये देखिए, ग्रो बैग्स में जो बीज बच गया था उसको मैंने एक ग्रो बैग्स में लगा दिया था, छोटा सा ग्रो बैग, और उसमें देखिए ये इसमें भी जर्मिनेट हो गया है। तो कुछ दिनों के बाद इसको भी पन्नी इसकी निकाल करके, इसकी पॉलीथीन फाड़ करके और किसी बड़े कंटेनर में इसको लगा दूंगा। फ्रेंड्स, आप इसकी बेल जो है बड़े कंटेनर में लगाएं, जिससे कि अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हो सके। और करेला तो ऐसी सब्जी है जो कि छोटे से पॉट में भी लग जाती है। और ये देखिए, एक प्लास्टिक का टब है मेरे पास, और उसमें छोटा सा इस तरह से होल बना करके मैंने इसको लगा दिया है। दोस्तों, इसके लिए जो मिट्टी हो उसमें आप 50% गोबर ज़रूर रखें, या अगर आपके पास गोबर न हो, गोबर ध्यान रखें कि वो कम से कम 2 साल पुराना, यानी काफ़ी सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, वरना ये खराब होने का डर रहता है। पौधों में गोबर बहुत सावधानी से डालना चाहिए। और
20% आप इसमें रेत भी मिलाकर रखें। और ये देखिए लगभग ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट है और हमारी बेल इतनी बड़ी हो गई है। इसको मैंने रस्सी के सहारे और एक तार में बांध दिया है और धीरे धीरे ये उसमें ऊपर चढ़ रही है और बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। ये 15 दिन नहीं, ये लगभग 10-12 दिन का रिजल्ट है। और आप देखिए कितनी स्वस्थ इसमें पत्तियां आ गई हैं ये रस्सी के सहारे जो है इसको, क्योंकि ये बेल है इसको रस्सी के सहारे आप किसी ऊपर तार पर या इसकी एक मचान बनाकर कि या इसकी कोई जाली हो आपके पास तो उस पर आप इसको चढ़ा दें। तो इसके जो ट्रेंडल्स होते हैं तो वो ट्रेंडल्स इसको जो रस्सी के इर्द गिर्द लिपट करके और ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा करेले के बीज से ले करके बेल लगाने तक का पूरा अपडेट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरह से बेल इसकी लगाई जाती है, बीज कैसे जर्मिनेट किया जाता है आपने ध्यान से देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब इसमें फ्रूटिंग आने लगेगी तो इसका अलग से वीडियो बना करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस आशा के साथ कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखते होंगे। तो दूसरे वीडियो के साथ एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।